आज आए हैं आईकिया, पता नहीं कुछ लेते हैं कि नहीं लेते, लेकिन मुझे एक दो चीज़ें चाहिए, वो पेंट्री के लिए वो ट्रॉली सी चाहिए बड़ी सी, तो देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती। आपको पता है मैं बड़ी मुश्किल से चीज़ें लेती हूँ, तो चलें आप भी हमारे साथ आ जाए। रहम करे अल्लाह, आज जेब तेरी बच जाएगी कि नहीं। नहीं, 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 तो उसके लिए ट्रॉली चाहिए, लेकिन ये ले लेते हैं फिलहाल, ट्रॉली चाहिए। चलो, वैसे चलो, 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 आपने क्या लेना है? आपने कुछ पाकिस्तान जाने के लिए? मैं बस खाली चूठे लेने हैं। इनका भी सेटअप इतना खूबसूरत देखते बंदा करता है कि सब कुछ बाय कर। आइडिया दिए होते हैं कि किस तरह आप डेकोरेट करें, बच्चों का रूम है जैसे बच्चों का, ब्लू एंड पिंक बच्चों के लिए बना रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, इतने पाउच हो गए हमारे घर में एक्स्ट्रा। हूँ तो ऐसे आप काउच वर्गे हो गए। हूँ तो ऐसे आप काउच वर्गे हो गए, बैठ बैठ के काउच आने। छोटे छोटे कप हैं, ये छोटे छोटे कप चाहिए मुझे, छोटे छोटे चाय के लिए। ये आसपास देखना कितने खूबसूरत लगते हैं, रंग बिरंगे जो है ना। हाँ तो कलरफुल कलरफुल लाइबा लेती है, कलरफुल तो ब्लैक एंड वाइट, गोल्डन और वाइट। किचन का आइडिया दिया मुझे। अच्छा, ये पूरे का पूरे ऐसे बाहर आ जाता है, पूरा पूरा बाहर आ जाता है, ये वजह से बंद है यहाँ से। ये ड्रॉअर जैसे नाइस आइडिया दिए होते हैं इन्होंने ना यहाँ पे किचन के। आपने अगर किचन रेनोवेट करना है तो आईकिया पे जरूर चक्कर लगाओ, उसको देख के फिर आप जो है वो कर लो, है ना, आप शुरू करो। सो आप देखें ये शेल्फिंग के लिए ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइडिया है और बहुत सस्ते में पड़ जाती हैं आपको। आपने अपनी पेंट्री के लिए, किचन के लिए कोई भी ऐसी चीज़ें लेनी है, आपने टीवी लाउंज के लिए, तो आप देखें कितना अच्छा सा बना बनाया सेटअप मिल जाता है। और आप अपने मेजरमेंट्स लें और उनको बना लें, ये बुक शेल्फ्स हैं, बहुत अच्छा बन जाता है। पापा जैद अपने चक्रों में लगे हैं, कुछ ऐसा मिल जाए जो उन्हें ना करना पड़े। और यहाँ पे ये क्लोज़ेट के ऑप्शंस दिए हैं, सिंपली ले जाएँ और रख दें उसमें, तो आपको ड्रॉज भी मिल जाते हैं, हैंगिंग का स्टफ भी मिल जाएगा। मेरे कितना अच्छा बनाया मैंने जब, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ असम्बल करें एंड डन। ये देखें कितना अच्छा दिया हुआ, ये आप सारी ज्वेलरी वगैरह आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्लोज़ेट में पूरा ले जाके आप रखें। अच्छा ये देखें है ना, और नीचे बास्केट्स हैं। जैद याद है आपको इस तरह का बड़ा सा आपके पास होता था वहाँ पे पाकिस्तान में होता था बड़ी ज़माने में? हाँ, और देखें अभी तक है यहाँ पे 6 फुट बाई 6 फुट ऐसे। हाँ, हाँ, तो आप सोचे कितनी पुरानी बात मैं आपसे कर रही हूँ, 30-35 साल पुरानी बात जब होता था जैद के पास। इसमें तो मुझे सांस आएगा, बंद कर भी देंगे तो क्या। और बड़ा चीप है, $20 का है, हैंगर्स वगैरह किस टाइप का बनाया है? स्टोरेज भी है और टू पैक है, थोड़ी केस में आप शूज रखें देखें दो पेयर आ जाएंगे जैसे हमारे सामने शूज फेंके होते हैं बच्चों के, तो ये जो सामने शूज फेंके हुए होते हैं उसमें ये डाल के रखते हैं। लें कि नहीं लें? नहीं, ये बताएं लेना है कि नहीं लेना। तो उसमें अलमारी में जगह है? पहले एक तो तुम कह रही हो मैंने वो शेल्फ लगानी है, वो शेल्फ लगाओगे फिर वहाँ जगह नहीं बचेगी, फिर वहाँ नहीं जगह बचती, शेल्फ नहीं लगाओ ये खड़ी कर दो उसमें, दोनों में से एक काम होगा ये मुझे बताना, जगह नहीं बचेगी। बात सुनो, ऐसे दो ले लो दीवार के साथ सामने खड़ा किए, सारे शूज इसमें आ जाएंगे। इस एरिया में पूरा इनका डाइनिंग किचन का एरिया है, अगर आपको इनकी चीज़ें पसंद आती हैं तो ज़रूर लें। मुझे एक आइडिया आ रहा है कि अगर ये वाले कवर्स ले लूँ मैं अपने डाइनिंग चेयर के लिए, जो कि मेरी डाइनिंग चेयर इनको सबको बहुत बुरी लगती है ना, तो प्लेन वाइट ले लूँ तो हो सकता है बेहतर लगे। सो हम लोग देखते हैं ये ना पेंट्री के लिए, लेकिन ये भी जैद इतनी बड़ी तो नहीं है, हमें बड़ी चाहिए, वो इससे बड़ी तो मेरे को कॉस्को वाली थी है ना, क्या है? वो तो बहुत है ना घर में, मैस किचन में बहुत हो जाता, तो ऐसी चीज चाहिए जो हम ड्रैग करके पेंट्री में से निकाल, पेंट्री में से निकाल के
जो आज बुकिंग करनी उसका सब इसमें रखा। हाँ इसको ले, अदरवाइज पूरा किचन टेबल वगैरह नहीं भरेगा। है तो अच्छी लेकिन थोड़ी सी और बड़ी चाहिए मुझे। जो रेगुलर स्टफ आपका जैसे आम दिनों में जो किचन में सामने रखा हुआ ना काउंटर पे टेबल पे, वो उसमें रख के तो पेंट्री के अंदर जाके उसमें डाल दो तो आपको ये साफ नजर आएगा, और जब शाम को कुकिंग खत्म होगी फिर वहां से वो निकाल कर फ्रीज में। तो ये देखें, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, प्याज अनियन और इस तरह की चीज़ें रखते हैं आप उसमें ले जाके ना पेंट्री में। मेरे ख्याल ये एडिशन मैं करूँगी बाद में, अभी तो मेरे पास वो बास्केट्स हैं उसमें रखे हुए, तो इसमें ये है कि हवा लगती रहेगी आपके जिंजर गार्लिक और आलू, स्मेल नहीं आएगी। ये वाला किचन अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, खुला सा बड़ा से आजकल ये जो काउंटर चल रहे हैं ना खूबसूरत बनाया हुआ है। अब देखिए ये कैटल बहुत खूबसूरत है, $29 की गोल्डन और ब्लैक में ये कैटल खूबसूरत है ना। तो मेरे पास इतनी कैटल्स हो गई हैं कि यूज़ उनका है ही नहीं। आपको क्या कह रहे हैं आप इस काउंटर टॉप की कीमत पता? 3200 सेपरेट है, सेपरेट है। बाकी कैबिनेट ड्रॉअर की कीमत है, ये तो सारा मिला के ये जो पूरा ये आपको बनेगा मेरे हिसाब से कंप्लीट पूरा ये देखो 7000 में ये पूरा हर चीज़ है, बहुत कुछ 7000 लगा के आपका कुछ है। पर अब हम तो कर चुके हैं, ये आप लोगों के लिए आइडिया है कि आप लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट। उसमें आपको किचन के आइडियाज़ दे रहे हैं, आप बताएं 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा पसंद है आप सबके, आप आइडिया लें और अपना किचन बनाएं और बताएं आपका कौन सा फेवरेट है। मैं कंपेरिजन बताना चाह रहा हूँ कि ये 7500 का ये बनेगा प्लस टैक्स भी तो हो गया। हमने $6500 हमारा उसका जो किचन की हमारी जो हमने की है ना वो वॉल का भी जो वो और ये काउंटर टॉप 6500 इसका लगा। तो आप कंपेयर करें इसमें तो कितने ऑप्शन है आपका, पूरा किचन है ये अब ये सब इंक्लूडेड प्राइस बता रहे हैं आपकी। आईकेआ की प्राइसेस बहुत अच्छी हैं ऑनेस्टली, अगर आपने किचन वॉशरूम रेनोवेट करना हो तो यहाँ से। अगर हमें ये कहीं पहले देखा हो या ऐसा आइडिया पहले से हो या आपके पास स्पेस भी होनी चाहिए जगह, तो हम उसको जो 6500 उसका दिया 1000 और दे के ये पूरे का पूरा सब चीज़ निकाल के फेंक के बची है और ब्लैक ये है पूरा। लेकिन ये है कि उसका कोविड था तो इतनी ऑप्शन नहीं थे, हमने कोविड नहीं किया सो कोविड में तो इतनी ऑप्शन नहीं थी तो क्या कर सकते। किचन नंबर 4 जैसे कि लाइबा भी कह रही है कि अपना हमारा वाइट है तो नीचे का डार्कर करें, ये देख डार्क किया हुआ है ऊपर वाइट है, तो अब मेरा ये है कि नीचे मैं डार्क ग्रे कर दूँ और ऊपर जो है वाइट कैबिनेट्स लेने। तो ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर ये चीज़ मैंने जब कही मैंने कहा ये नीचे मैंने देखा बहुत सारी जगहों पे कॉन्सेप्ट में मैंने देखी है कि नीचे ग्रे किया वो ओपन, मैं इसको सत्यानाश नहीं करना और अब वही बात कर रही हूँ। तो आपको ये तीसरा किचन में दिखा रही हूँ, आप अपने किचन के लिए आइडिया लेते जाए। ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है और मुझे हमारा बहुत बड़ा लगा। हाँ, अगर वाइट आपने रखना है तो आप ये देखें अपर सारा वाइट हो और नीचे आप ये देखें नंबर 4th किचन और इसमें डाइनिंग टेबल भी दिया हुआ है और पूरा ये इन्होंने टेबल्स रख के पूरा काउंटर बना दिया। हाँ पूरा डार्क है, मुझे डार्क किचन ज़्यादा पसंद नहीं आते लेकिन ये बहुत बड़ा है इसलिए अच्छा लग रहा है ना सर। हाँ आपके पास जगह भी है, गुंजाइश भी। हाँ गुंजाइश भी हो जा रही है। ये इन्होंने छोटे किचन का ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे भी। ये देखें ये खूबसूरत बनाया हुआ है, ये ग्रेनाइट नहीं है, यहाँ क्वार्ट्ज नहीं है या ग्रेनाइट नहीं है, ये भी अच्छा बनाया हुआ है। आपको मैंने इतने सारे किचन के आइडिया दे दें, अपने हस्बैंड को अपने अब्बू को अपने भाई को जाके तंग करें कि हमें किचन बनवा के दे नया सा। जब किचन अच्छा होता है ना तो आपका दिल भी करता है काम करने के। सही, यहाँ पे हुड है, देखें हमने हुड भी चेंज करना है लेकिन अभी तक नहीं किया, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं फिलहाल। ये इस तरह के आजकल चल रहे हैं ना बड़ी स्लीक से, मतलब हाँ ये जैसे लाइबा के नहीं लगे हुए इस तरह के, हाँ ये बंद होते हैं ना पूरे, तो मैं चाह रही हूँ वो चेंज करना लेकिन अभी हमने किया नहीं है चेंज, उस तरफ नहीं आया। तो अब ये कोविड के बाद अब ये खुला है तो अब इंशाल्लाह दोबारा रेनोवेशन शुरू करेंगे घर में। जैन ये फॉसेट तो मुझे अपना ही पसंद आया, सो फार मुझे कोई फॉसेट ऐसा नहीं नज़र आया जो बड़ा सा हो ह्यूज सा हो, तो जो हमारे घर में लगा ना वो बहुत खूबसूरत है।
अभी तक उसके मुकाबले में कोई नहीं आया है। वो अपना है ना? हाँ, ये भी कह सकते हैं वो अपना है इस वजह से। लेकिन है डिफरेंट डिजाइन जैसे अब ये इस कलर में। किचन की रॉड्स वगैरह एक्स्ट्रा आपने कोई जगह हो लगाने के लिए तो इस तरह का आप सेटअप कर सकते हैं। किचन के पीछे जो स्प्लैश है ना उस पर आप लगा सकते हैं इस तरह की चीज़ें। और इस जगह पे पूरे बेडरूम का वो दिया हुआ, पूरे बेडरूम के वो दिए हैं। आपको कुछ चाहिए बेडरूम के लिए? अगला ये नहीं समझ रहा वही नहीं सफाई हो रही अभी तो। ये इतना बड़ा है कि बस एरो को फॉलो करते जाएं और घूमते जाएं। मैं तो घूम जाती हूँ, मैं एरो को फॉलो ना करूं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि किस तरफ को जाना है। यहाँ पे बच्चों के बेडरूम आ गए, देखिए छोटे छोटे बेड्स, देखिए कितने छोटे छोटे से बेडरूम हैं, बेड कलरफुल से बनाए हुए। बेड लेंगे क्या? बेड लेंगे क्या ज़ायरा के लिए? छोटा सा तो ऐसा नहीं, ज़ायरा अभी वो क्रिब में नहीं सोती, बेड पे क्या सोएगी अभी नहीं ले। आखिर तो सोएगी नहीं, कमाल करती है। हाँ, जब सोएगी तब तक और नए नए चीज़ें लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें खाने पीने का रेस्टोरेंट भी है और यहाँ से आप फिश वगैरह ले सकते हैं अगर आपने खानी है। तुमने खाना है तो ले लो। नहीं, आपने फिश नहीं खानी वैसे तो आपने। इनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है, ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप वेजिटेरियन और एग और फिश चॉइस करें। जैद के वैसे अपने इशू होते हैं काफ़ी सारे माशाल्लाह, अब ये टाइम हो गया वो टाइम हो गया तो, लेकिन आप यहाँ पे अपना इसने मैं कह रहा हूँ तुमने खाना तो बैठ जाता नहीं मुझे नहीं कहो कि तुमने खाना, लेकिन आप आएँ तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट लाजमी करें। अब जैसे मोहब्बत करने वाले बहुत मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अमरीन। जो मिली और देखा आंखों से पहचान लिया या पापा जैद को पहचान? मुझे पहले मुझे पहचान, आवाज़ से पहचान लिया होगा ना कि ज़ाहिर के लिए चीज़ें घूमते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हम लोगों से। चलो शुक्रिया। थैंक यू। इनके पास बर्तन बहुत अच्छे हैं, स्टील्स के जो बर्तन है ना। और ये देखें, आप लोग मुझसे उसका पूछते रहते हैं ना नेट उस पर लगाने के लिए, तो ये भी है यहाँ पे ताकि आपका ऑयल वगैरह छिले ना। यहाँ पे प्रेशर कुकर भी है और स्टील के पॉट्स, स्टील के पॉट्स मेरे पास हैं ये वाले। वही तो काफी, मैं तो वहाँ से भी लेकर आया हूँ कितने बड़े बड़े। लेकिन अब यहाँ आसानी कर दी ना, अब ये देखो वहाँ से लाने। हाँ, वहाँ से लाने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े साइज के हैं। ऑनेस्टली बहुत सारा बेकिंग की ट्रेस और हर चीज अवेलेबल है यहाँ पर और बहुत सस्ती है, कोई इतनी महंगी भी नहीं। अगर आपने चाहिए तो यहाँ से भी ले सकते हैं। मेरे पास वो जो है ना पाए तो इस तरह की आप पूछते रहते हैं, वो मैंने यहीं से ली थी, आई थी। ये क्या करते? ये मेरे पास कुकी कटर है। क्या जैद ऐसे ऐसी चीज़ें उठा के ला के पूछ रहे हैं ये क्या करता? ये कुकी कटर है कुकीज़ काटने के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएंगी यहाँ पर जो आप परेशान होते हैं कई दफ़ा नहीं मिल रही होती। ये देखें कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं, मैं खुद सोच रही थी कि ये किस लिए, इसको देखें क्या है। अगर आपको पता है तो कि ये क्या है लिखा है पढ़े, मेरे तो चश्मा लगाना पड़ता है ना पढ़ने के लिए। ये कंटेनर कितना खूबसूरत है, ये कुछ ना कुछ बनाने के लिए होगी, छान सकते हैं आप आराम से उठा लें जैसे छन्नी वगैरह से कोई चीज़। पकौड़े बनाइए तो इतना कट सकते हैं या? आज ट्राई की थी जा सकती पकौड़े दी। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं किया लेकिन आपने पकौड़े खाने हैं ना, ये कह रहे हैं? नहीं देखो काम किया तो ले चलो, फिर आना नहीं होता ना। यहाँ आना तो नहीं होता हमारा, बहुत मुश्किल होता है। लेके जाके साइड पे रख लिया करो, कितना इजी। अगर पकौड़े हम इतनी मुसीबत से उठाते इसे उठाओ, लेकिन थोड़ी सी अगर बड़ी होती ज्यादा आते, फिर भी काम किया ले लो यार। ये याद है आपने पाकिस्तान से ली थी प्लेटें 2000 यहाँ पे 99 सेंट्स की एक लगी है। 2000 की हमने ली थी, 6 प्लेटें थी बिल्कुल ऑलमोस्ट। तो यहाँ कितनी सस्ती है, तो यहाँ एक डॉलर की एक है। टैक्स मिला के आपको ये बन $60 मील, और फिर भी 1500-1600 बन ही जाती। सुन, मैंने जैद से ना मैथ की डिग्री भी वापस ले लेनी है क्योंकि वो गलत बता रहे हैं। सुनो, $1 प्लस टैक्स, आप $1 मीन एक आजकल जो रेट कहने दिन 130 रुपये, तो 6 की कितनी होगी? 601 और 18201 समझ लोगे, 800 रुपये की ये 6 हैं। पाकिस्तान से मैंने लिए 2000 की 6। और ये वो बोल हैं जो मैं यूज़ करती हूँ कुकिंग मेजरिंग में, टूटते रहते हैं लेते रहते हैं, टूटते रहते हैं लेते रहते हैं। और इनके ग्लासेस बहुत खूबसूरत होते हैं कई दफ़ा ना आप, ये तो प्लास्टिक के हैं, खैर ड्रिंक्स वगैरह बनाने के लिए कैसे अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं और सस्ते भी होते हैं, टूट जाएँ तो वो नहीं है। ड्रिंक्स के लिए है, जैसे वो फैंसी ड्रिंक्स नहीं बनाती हूँ मैं, उनके लिए कई दफ़ा अच्छे लगते हैं ये ग्लासेस हैं। ये जैसे है
ये देखें कितना खूबसूरत है। और ये $3 का है ना, महंगा भी नहीं। ये मार्टिनी का है, मतलब अच्छे लगते हैं, खूबसूरत। पर मैंने इतना सामान घर में इकट्ठा कर लिया है, अब घर वाले परेशान हो गए। अच्छे ग्लासेस है ना सर? हाँ जैद का, हाँ मुश्किल से ही निकल रहा है। नहीं सर नहीं, सोचने की नहीं, ये है कि जरूरत की चीज लेना। ये क्या थी, ग्लास रखने की कोई असेंबली है? या प्रॉब्ली ग्लास रखने के लिए कोई। और पिलोज के लिए देखें कितना बड़ा सेक्शन है, जितने चाहे कलर के आप पिलोज ले लें, जितने मर्जी कोई भी कलर के पिलोज आप ले लें, कुशन्स और ये वो। और यहाँ पे सारे ये वॉशरूम का स्टफ है इनके। ऑनेस्टली टॉवल्स मुझे यहाँ के पसंद नहीं आते, टॉवल्स अच्छे वाले ही लेने चाहिए। टॉवल इतने अच्छे नहीं होते यहाँ के, ये तो फ्लोर मैट्स हैं लेकिन टॉवल्स नहीं। ये वाले ये तकरीबन कम से कम 3 तो लेने। एक आटे के लिए 2 तरह का आटा, ऑल पर्पज फ्लावर और रेगुलर आटा, और राइस के लिए तो है मेरे पास राइस के लिए है। 1-2 3 कर लो, 3 ले लें। हाँ 3 ले लें, कम से कम 3 ले लें। और लिड्स लें इसके साथ, एयर टाइट होगा। आप देखें ये मेरे को प्राइस नहीं नज़र आ रही इसकी, $5 का है शायद। इधर कहीं मुझे नज़र आई, वरना तो वो दूसरे वाले लें तो आप बहुत महंगे पड़ते हैं ना। अब चाहिए 4-3 लिट चाहिए। हाँ देख लें उस पर आएगी कि नहीं आएगी। यही है हुआ, ये सस्ते तो हैं लेकिन एयर टाइट नहीं है, तो बस ऐसे ही घूमता फिर रहा है। तो इसका क्या फायदा वैसे लिट का, संभालते फिर उठा के चीज, ये दाल चावल ये क्लिक करके बंद हो, टाइट होने चाहिए। दोनों रिजेक्टेड सस्ते हैं लेकिन काम के नहीं। चले ये जो हमने स्टोरेज के उठाए थे ना, इनका एयर टाइट नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल भी ऐसी चीज़ के लिए रखें जो आपको डर ना हो ख़राब होने का। लिए तो मैंने तो वापस रख दिया क्योंकि फ़ायदा नहीं इनका लेने का। एयर टाइट ढूंढेंगे चाहे वो थोड़े से महंगे ही मिले। आई थॉट कि थोड़ी चीप में काम हो जाएगा पर नहीं। बैकयार्ड लगा लें बेड अपना। नहीं तो ये बैकयार्ड के लिए, आई डोंट नो, मैं तो वैसे ही जोक कर रही हूँ कि ये लाइटिंग का एरिया उन्होंने आइडिया दिया हुआ। ये सेटअप है ना, नहीं तो अपना मंजा बैकयार्ड डालने की है। ठीक है अभी तो गर्मियाँ अभी कर सकते हैं। यहाँ पे कारपेट्स भी हैं बहुत अच्छे से, और ये आउटडोर मैट्स, और मैट कितने चाहिए, आउटडोर मैट्स भी हैं बेहतरीन, खूबसूरत से मैट्स भी हैं। ये देखें ये रग्स हैं इस तरह के कमरों के लिए छोटे छोटे, वो देखें पूरा हर चीज़ है, यू नेम इट। अगर आपको पसंद आया इनका स्टाइल तो आप ले सकते हैं, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है हमारी शॉपिंग फेल हुई है। हाँ ये भी अच्छा है, ये मेरे ख्याल जायरा वाले रूम में पड़ा हुआ है, ऐसा देखा नहीं आपने? हाँ। फिर भूल गए। ये देखें मिरर्स, नहीं हमारा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है, थोड़ा बड़ा है और साइड में उसके कट्स हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये $89 में वर्थ कर रहा है। आप ले लें यहाँ से, अगर आप लोगों ने नहीं लिए ना। ये थोड़ा सा डिजाइन, ये डिजाइन वो मेटल का बना हुआ है, वो मेटल है, ये वुड है। ऑनेस्टली स्प्रे पेंट करें और सस्ती चीजें लें, जो प्लाई होती है उसको ऐसे बंद करके। चले हमने कोविड के जमाने में खरीद ली ना चीजें, महंगी ले ली, महंगी अदर ऑनलाइन तो वो बड़े महंगे महंगे आए। आप लोग आप ये पूछते रहते हैं, ये देखे कितने सस्ते हैं, ये हमारे जो लिविंग रूम में लगे हुए ना पीछे, हमेशा पूछते रहते हैं कहाँ से लिए, तो वो हमने, हाँ ये बहुत सस्ते हैं, ये आईकिया से लिए हुए सारे कैंडल्स हैं। कैंडल्स तो मेरे पास इतनी है घर में, पूरा सेक्शन कैंडल्स, लाइवा भी लेती रहती हूँ मैं भी, एक साल के लिए आपको कैंडल्स की जरूरत नहीं है, बहुत कैंडल्स के ऑप्शन। गिफ्ट जरा फुलों के बुके थे, बंदा कैंडल खुशबू वाली कैंडल भी घर ले आ सकता। ऊपर तो वो रेस्टोरेंट था ना सर, यहाँ तो आइसक्रीम है, $1 की आइसक्रीम है। अच्छा $1 की आइसक्रीम वो खा ही सकते हैं, चीप खानी नहीं है, आइसक्रीम भी नहीं खानी। ओ या बहुत मीठा खाया, लेकिन $1 की कॉर्न लगी हुई, $1 की कॉफी लगी हुई है। आ जाओ चार लेके खा लेंगे, $1 की नहीं, हम तो खानी नहीं, हमने तो सोचा हुआ कि अब नहीं खाना क्योंकि आगे यहाँ पे याद है हम वो केक लेते थे, याद है? तो वो लेकर था, नहीं लेकर वो नहीं, नहीं 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 आलमंड केक, ये वाला केक, ये केक हमारा फेवरेट केक है, ये वाला आप जरूर ट्राई करें। ठीक याद आ गया, ले 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 ना ये वाला। नहीं 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 बहुत केक घर में, इतने हमारे केक्स पड़े हुए इसमें शक कोई नहीं, ये तो इतना टेस्टी है, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा होता है। केक का केक है जरा मेरे लिए टेस्टी नहीं है, चढ़ता तो आप जरूर ये वाला ट्राई करें आलमंड केक। और आइसक्रीम लाजमी ट्राई करें, अगर आपकी कैलरीज और आपकी सेहत आपको इजाज़त देती
तो जरूर ट्राई करें। $1 की कौन है देते हैं? कब क्यों आपने खानी है? $1 की कप में देते हैं, कौन में देते? दोनों में ले लें आप, जिसमें मर्जी लेनी है। अगर कप में खाओ ना तो शुगर ज्यादा फील होती है, कोन में खा लो। हाँ कोन में है। तो आप ये देखें कि हम बड़ी हिम्मत से दो रेस्टोरेंटों में से होके निकल आए। नहीं खाया कुछ? नहीं खाया कुछ। ये हमारी वो है जैद, गुड जॉब, क्योंकि मेरा था जैद कह रहे वो मैं खा लूँ, और जैद का था आसपा कह रहे तो मैं खा लूँ। ट्रिप पे कुछ छोड़ा नहीं खाने को? ट्रिप पे हमने कुछ छोड़ा नहीं खाने के लिए, जो आया लेकिन वही ना। तो और यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने ना, आपने गिफ्ट रैप करने हैं तो यहाँ पे इन्होंने ये टेबल्स भी दिए हैं, और कि आप अपने गिफ्ट्स रैप कर लें। तो बस अब हम हाँ बस अब हमारी वापसी है यहाँ से, और उम्मीद है आपको हमारी शॉपिंग पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं नेक्स्ट कौन से स्टोर में हमारे साथ चलेंगे।